स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वॉलपेपर हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये शाओमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपसे इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और वॉलपेपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हैं वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से कोई सा भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अलग कर लेता हूँ। इसको करने के लिए यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करते ही आपसे पूछेगा सेट इज़ लॉक स्क्रीन, सेट इज़ होम स्क्रीन, सेट इज़ बोर्ड। और बोर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स दोनों पर सेट करना चाहते हैं। तो यस मैं दोनों पर अपडेट वॉलपेपर लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर बोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉलपेपर अप्लाई हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं मेरी लॉक स्क्रीन पर भी हो चुका है और होम स्क्रीन पर भी हो चुका है, ये देखिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।